माँ का बंटवारा। रोहन और मोहन दो भाई थे, दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच एक नई लड़ाई की शुरुआत होती है, और लड़ाई इस बात की कि माँ को रखेगा कौन। देखो रोहन, इस बार मैंने माँ को पूरे 8 दिन ज्यादा रखा, तुम समझ सकते हो कितनी तकलीफ होती है, कैसे कैसे करके तो मैं घर चला रहा हूँ। अरे वाह भैया वाह, 8 दिन ज्यादा में तो आपका बजट खराब हो गया। याद है 2 साल पहले जब आप दिवाली में अमेरिका गए थे तो मैंने पूरे 17 दिन माँ को एक्स्ट्रा रखा था। अब बात निकली है तो मैं बोल देता हूँ, तुम्हारी बीवी ने माँ को जो साड़ी देकर भेजा था ना, वो सेम साड़ी मेरी नौकरानी भी पहन कर आ गई थी। पता है कितनी शर्म महसूस हुई मुझे। तभी वहाँ मोहन की बीवी आ जाती है। बस करिए रोहन, मैंने तो अच्छी ही साड़ी दिलाई थी, अब क्या एक बुढ़िया के लिए मैं डिजाइनर कपड़े लेकर आऊं? कम से कम लाई तो, आप तो वो भी नहीं करते। तभी वहाँ रोहन की बीवी भी आ जाती है। देखो हम क्या करते हैं क्या नहीं, ये हमें ना बताओ, अगर हम गिनाने में आ जाएं कि हम क्या क्या करते हैं ना, तो शर्मिंदा हो जाओगे आप लोग। दूर खड़ी माँ बच्चों के साथ बच्चों की सारी बातें सुन रही होती है। वो अपने कमरे में जाती है जहाँ रोहन का बेटा उन्हें कहता है, दादी मैं बड़ा होकर पैसे कमाऊंगा तो आपको बहुत खुश रखूंगा। बेटा मैं तब तक रहूं ना रहूं, पर तुम अपने माँ बाप को कभी कोई कमी नहीं होने देना, उनकी हमेशा इज्जत करना। तभी वहाँ रोहन की बीवी आ जाती है। अरे माँ जी क्या उठपटांग मेरे बच्चे को सिखा रही है, मैंने हमेशा अच्छी शिक्षा दी है, आप कुछ गलत ना सिखाए। हाँ बहू, संस्कारों में तो मेरे ही कोई कमी रह गई थी। हाँ हाँ सुन लिया मैंने, जाइए अपने कपड़े समेटिए और निकलिए कुछ दिनों के लिए, हम भी सांस ले थोड़ा, तंग आ गए हैं। सांस बैग लेकर कमरे में जाती है जहाँ उसके दोनों बच्चे होते हैं। चलो माँ अब इन लोगों के सुख के दिन है। अच्छा माँ ले तो जा रहा हूँ लेकिन ढंग से रहना। हाँ अरे एक मिनट, अच्छा माँ ये हार जो पहन रखा है ना इसे निकाल कर रख दीजिए। अरे माना कि आपका है लेकिन महंगा है, कहीं वही ना छोड़ आइएगा। भाभी ये हार माँ को पापा ने दिया था, मरने से पहले तो वो ये हार निकालेंगी नहीं, तो हार का ख्वाब तो आप छोड़ ही दे। ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। देखो मुझे तो तुम मेरे मायके ही उतार दो, मैं तो इस बुढ़िया के साथ रहने से रही। अरे ये क्या बोल रही हो, माँ सुन रही है ना? सुन रही है तो सुने ना, डर नहीं पड़ा मुझे किसी का। अरे बेटा जरा साइड में रोक ले, मैं सामने मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ भगवान को हाथ जोड़ कर आती हूँ। मोहन गाड़ी रोक देता है, माँ उतर जाती है। धीरे धीरे चलते हुए वो उन दोनों से काफी दूर निकल जाती है। काफी देर तक माँ वापस नहीं आती तो मोहन उन्हें ढूंढने उतर जाता है। अब ये माँ कहाँ चली गई? अरे पता भी है कि अभी दूर जाना है लेकिन अपने सिवा किसी और के बारे में सोचती नहीं। मोहन कार से उतरता है लेकिन उसे कहीं भी माँ दिखाई नहीं देती। अरे माँ कहीं नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा है ना तो जाने दो ना, लेट हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है, घर चलो बस। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 2 महीने बाद रोहन मोहन के घर आता है। मोहन आज माँ को लेने आया हूँ, मैं नहीं चाहता था कि एक भी दिन लेट हो और तू मुझ पर माँ को रखने का एहसान दिखाए। अब लेकिन माँ मेरे पास नहीं है। माँ नहीं है मतलब? वो तो मेरे पास भी नहीं है, कहाँ गई माँ? वाह कभी माँ की चिंता की, 2 महीने से तो एक फोन भी नहीं किया, आज माँ की टेंशन दिखा रहे हो। मोहन रोहन को सारी बात बता देता है। दोनों भाई साथ बैठ जाते हैं। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम हम शांति से तो जिएंगे। हाँ अफसोस तो बस उस हार का रह जाएगा जो वो साथ ले गई। उधर माँ शांति से एक वृद्धाश्रम के बेंच में बैठी होती है। गले में हार नहीं होता क्योंकि उसी को बेचकर वृद्धाश्रम का किराया दिया होता है। इस कहानी में किसी को कोई सीख नहीं मिली, ना ही किसी को कोई सबक। कारण अगर सबक और सीख से लोग अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करते, उनकी इज्जत और मान सम्मान करते, तो शायद इस देश से वृद्धाश्रम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते। तो इस कहानी का अंत यही स्वीकार करें।